हेलो गाइस। जी हाँ गाइस, कई लोग पूछ देते हैं कि अभी केंद्र जो लग रहा है ना, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार वाला, हर पंचायत में आपका, तो क्या क्या फॉर्म वहाँ पे मैक्सिमम चल रहा है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम केंद्र लगाते हैं इसलिए थोड़ा बहुत हमको भी पता है, और भी योजना का लाभ आप इस माध्यम से उठा सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास डिटेल्स हैं, चलिए वो आपको हम शेयर करेंगे। सीएम स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, माइनॉरिटी यानी आवेदन कर सकते हैं सीएम रोजगार सृजन के लिए, और सावित्री बाई ये है सुकन्या वाला, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एससी के लिए है आवेदन फॉर्म है, ये है सीएम रोजगार सृजन के लिए। उसके बाद एसटी के लिए भी है रोजगार सृजन का आवेदन कर सकते हैं। आदिम जनजाति के लिए है पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है कि देख लीजिए, इन सब को रखा गया है, इसका समूह कुछ है, यहाँ पे असुर हो गया, बिरहोर हो गया, वीर जिया, पता नहीं कौन सा किस टाइप के होते हैं, हिल खरिया हो गया, कोरवा हो गया, माल पहाड़िया हो गया, परहिया हो गया, सौरिया पहाड़िया एवं सबर, ये भी हमको पता नहीं कैसे लोग होते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। उसके आगे आप दे सकते हैं आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, किसान का निबंधन करा सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग अगर आप के पास कोई है तो आप उसका जो है कि आवेदन कर सकते हैं रोजगार सृजन के लिए, ठीक है। पेंशन के लिए भी दिव्यांग वाले आवेदन कर सकते हैं, निराश्रित महिला भी यानी अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। उसके बाद पशुधन के लिए भी यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद फसल राहत योजना के लिए भी, हालांकि इसका तो ऑनलाइन डेट पार हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्म दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा अनुदान का जो है कि आप एक आवेदन कर सकते हैं। विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, और यहाँ पे है स्थानीय डोमिसाइल यानी आवास के लिए, यानी कि ये क्या है, आवास मतलब प्रमाण पत्र होगा, जाति और निवासी, और हरा ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए भी यहाँ पे फॉर्म मिल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी होंगे, आपको खुद वहाँ पता कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, है ना, फोटो स्टेट के साथ, फोटो के साथ, और आपको अप्लाई कर देना है। ऐसे में क्या होगा, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं सारे लोग मिल जाएंगे आपको, सारा काम वहां से आपको हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं इन सारे फॉर्म को अलग अलग भर के दिखाने के लिए, तो अलग अलग वीडियो लगातार आता रहेगा, एक एक करके भर के दिखाएंगे, इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है प्लीज, आपने नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।